जांच हो रही है फिर भी बयान देने में, क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव जल्दबाजी कर रहे हैं? मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता तो हूं नहीं और उन्होंने क्यों बयान दिया है वो जाने, लेकिन मैं अभी आपका ये वीडियो सुन रहा था। इस वीडियो में मैं देख रहा था कि वो लड़का जो है वो कुछ बौखलाया हुआ है और वो ये कह रहा है कि फिर आदमी जब कोई घटना करता है तो उसके कारण ढूंढता है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उसको जस्टिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ में उसने एक बात और कही, उसने ये कहा कि मैं चाहता था कि मुझे गोली मार दे और मैं खत्म हो जाऊं। तो ये सब बातें किसी नॉर्मल इंसान के नहीं हो सकती हैं। अखिलेश यादव के मुझे लगता है बोलने के पीछे शायद यही कारण होगा। दूसरे कुछ व्यवहारिक बातें, अगर कोई फिदायीन होगा, कोई आतंकवादी होगा, अभी तक जितने भी आतंकवादी आए हैं वो या तो बड़े हथियार लेकर आए हैं या वो अपने बम लगा करके आए हैं, कोई इस तरह की चीजों से आए हैं जिससे कुछ नुकसान कर सकें। ये लड़का एक चाकू लेकर के आया और हल्ला कर रहा है और हमारी पुलिस फोर्सेज और वो इतनी मजबूत हैं कि एक दो चाकू फाकू एक आध बंदूक लेकर कोई आ जाए कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारी पुलिस के लोग इतने मजबूत हैं, इतने ट्रेंड हैं, हमारे फौज के लोग भी इतने ट्रेंड हैं, यहाँ तक कि जो आतंकवादी भी देश में आए हैं आज तक कोई बच करके नहीं गया है। तो इसलिए मुझे लगता है अखिलेश यादव ने शायद इस सिलसिले में उसके पिता के बयान के आधार पर बयान दे दिया होगा और उस दृष्टि से भी जांच करने में कोई बुराई नहीं है और हम लोगों का कोई मकसद ये नहीं है कि किसी जांच एजेंसी को भटकाया जाए। लेकिन पर सर आप ये कह रहे हैं कि आपका मकसद नहीं है जांच एजेंसी को भटकाया जाए, लेकिन पूरी जांच की दिशा जो है वो भी यहाँ पर बैठकर आप तय कर रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं इतनी मासूमियत से कि कैसे वो लड़का आतंकवादी तो हो ही नहीं सकता जी, आतंकवादी फिदायीन हमलावर जो आते हैं वो कोई हाथ में इस तरीके से जो गंडासा है चाकू है वो थोड़ी लहराते हुए आ जाते हैं। सर जांच चल रही है, पुलिस कह रही है कि साहब ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। उससे पहले ISIS का वीडियो सामने आया है जिसमें ISIS का जो आतंकवादी है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का हथियार लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये स्लीपर सेल हो सकता है सर, ये तमाम वो बिंदु है जिस पर जांच चल रही है। आप एक लाइन जरूर बोलिए लेकिन मेरी बात पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि आप लगातार अपने बयान के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले की कोई गंभीरता ही नहीं है। अगर इस हमले में कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल होता जिससे लोगों की क्षति पहुंच सकती थी, बड़े पैमाने में नुकसान हो सकता था, उस गंभीरता को मैं भी लेता, लेकिन एक चाकू लेकर के जहां इतनी बड़ी सर, दो पुलिस वाले भी घायल हुए आप जानते हैं ना ये बात, सर दो पुलिस वाले भी घायल हुए आप ये बात जानते हैं ना। अंदर अगर वो भीड़ वाली जगह पर घुस जाता तो इसी गंडासे से वो कितनों की गर्दन काट सकता था सर। शायद अगर ये हुआ नहीं तो आप इसको असेस ही नहीं कर पा रहे हैं या आप इस खतरे को नहीं भाप पा रहे हैं या भापना चाह नहीं रहे सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं हम भाप रहे खतरे को और इस खतरे से बचाना हमारी फोर्सेस का काम है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का काम है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। उन्होंने वो करके दिखाया है सर। और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब जांच एजेंसियों ने इस खतरे को टाल दिया, जब उन्होंने इस खतरे को बड़ा होने से रोक दिया और अब जब वो जांच कर रही हैं, तो फिर राजनीतिक बयानबाजी देकर आखिरकार जांच को प्रभावित करने के पीछे मंशा क्या है सर? ABP News आपको रखे आगे।